टॉप 5 न्यू ग्लिचेस इन इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ऐसे न्यू ग्लिचेस बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आओ चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको बता दूं। तो सबसे पहले कि सबको यहाँ पास M1 वाला आपको यहाँ पास लोकेशन वाला आपको यहाँ पास डायल कर देना है RGS टूल में। उसके बाद आपको यहाँ पास एक बार क्रॉस कर देना है, मतलब गाइस आपको यहाँ पास सबसे पहले तो बाइक स्पॉन करना है। 400 डायल करके आप लोग यहाँ पास एक बाइक स्पॉन कर लेना है, कोई भी एक बाइक। उसके बाद गाइस जो हम लोग यहाँ पास लोकेशन जो स्पॉन किए गए इसमें हम लोग को सिंपली एक बार हमको इसके आर पार हम लोग को चले जाना है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पास ट्रेन के पास जाना पड़ेगा। सिंपली गाइस आपको यहाँ पास बाइक को यहाँ पास स्टैंड कर देना है। हम चलो बाइक से एग्जिट करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं अपनी ट्रेन के पास। तो चलो जल्दी चलते हैं ट्रेन के पास। एंड ट्रेन के पास जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको ट्रेन में एंटर कर देना है। एंड आपको गाइस यहाँ पास ट्रेन को गाइस आपको यहाँ पास 30 सेकंड तक आपको चलाना पड़ेगा। तो चलो गाइस मैं से जल्दी से 30 सेकंड तक के यहाँ पास ड्राइव कर लेता हूँ। तो अपना जो ट्रेन है ये स्टार्ट हो चुका है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है गाइस आपको चलो बता दो। तो गाइस अपना जो यहाँ पास ट्रेन है गाइस ये पूरी तरह से जैसे कि अपना जो यहाँ पास सामने देख रहे हो गैस टैंक है, ये गैस टैंक जैसे पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग के यहाँ पर जो स्लो मोशन वाला बटन है उसे आप लोग जैसे क्लिक कर हमारे गेम के अंदर हमको न्यू मैजिक देखने को मिलता है। तो फाइनली अपना जो सारे यहाँ पास गैस टैंक ये मतलब कि खत्म हो चुके हैं। एंड गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो इसे जैसे मैं यहाँ पर स्लो मोशन वाला यहाँ पास आइकन को सेलेक्ट करता हूँ तो भाई आप लोग देख सकते हो तो अपना जो ट्रेन है ये मतलब जो सेव किया हुआ लोकेशन है गाइस इस पर सिर्फ यहाँ पास इंजन बस आके मतलब कि स्टैंड हो जा रहा है भाई। मतलब भाई क्या ही क्रेजी में था गाइस। एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। एंड अपना करेक्टर भाई अभी भी यहाँ पास ट्रेन के अंदर ही है। एंड इसका जो डिब्बा है गाइस ये पूरी तरह से बिखर चुका है, एंड ये वाइड में भी पहुंच चुका है भाई। लगता है गाइस ये पूरी तरह से स्पेस में आ चुका है अपना जो बाइक है। एंड गाइस यहाँ पर से फ्रैंकलिन अगर एग्जिट किया गाइस तो यहाँ पर फ्रैंकलिन का बचना मुश्किल है। एंड चलो यहाँ पर से मैं एग्जिट करके आपको दिखा देता हूँ। गाइस देख सकते हो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एग्जिट कर दिए, लेकिन हम सीधा आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर वाइड के अंदर में है भाई। मतलब यहाँ पर फ्रैंकलिन का बचना मुश्किल है गाइस। लिटरली यार फ्रैंकलिन यहाँ पर पूरी तरह से वाइड के अंदर चला गया, एंड ये धीरे धीरे जाकर पूरी तरह से वेस्टेड हो जाएगा भाई। चलिए गाइस अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड इस मिथ के लिए गाइस एक लाइक जरूर बनता है गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए गाइस नेक्स्ट मिथ के लिए आपको बता दो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास कोई भी एक मतलब कि बाइक स्पॉन कर लेना है। एंड मैं यहाँ पास सिंपली यहाँ पास स्प्लेंडर बाइक स्पॉन किया गाइस। एंड इसको आपको क्या करना है आपको बता दो। तो 9129 सबसे पहले गाइस इन्फिनिटी हार्ड कोड को जरूर से एक्टिवेट कर लेना। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। एंड सबसे पहले गाइस 11 एंड 20 डाल करके आप लोग यहाँ पर मतलब स्काईफॉल का चीट कोड एंड साथ में गाइस एंटर का बटन एक साथ प्रेस कर देना। एंड उसके बाद देखो गाइस अपना जो यहाँ पास करेक्टर गाइस पूरी तरह से बाइक के ऊपर चला जाएगा भाई। एंड यहाँ पास देख सकते हो गाइस आप लोग देख ही सकते हो अपना जो करेक्टर ये बिना किसी हैंडल को पकड़े गए इसे ऑटोमेटिकली यहाँ पास ड्राइव कर रहा है। एंड इसका पैर भी भाई ऑलमोस्ट यहाँ पास ऊपर ही है। एंड यहाँ पास ब्रेक कैसे लगा, एंड यहाँ पास गियर भी कैसे लगा सकता है भाई आप लोग देख सकते हो। लेकिन काफ़ी खतरनाक ग्लिच है गाइस, एक बार आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। एंड इतने ही नहीं गाइस, अब सिंपली आपको क्या करना है आपको चलो बता दूँ। 11 11 डायल करना है। एंड उसके बाद गाइस जो बाइक मतलब कि साइकिल देखने को मिलता है, एंड ये वाली साइकिल में गाइस हम सिंपली यहाँ पास दोबारा से स्काईफॉल लगा के इसमें एंटर का बटन प्रेस करें एक साथ। तो गाइस इसमें तो कुछ और ही खतरनाक से मैजिक देखने को मिलता है। आप लोग देखो गाइस इसका जो यहाँ पास जो पैडल लगाने वाला स्टेप है गाइस ये अभी भी यहाँ पास एक्टिवेट है भाई। आप लोग देखो तो सही, यहाँ पास देखते हो जिसके आगे मतलब किसको जो लाइक ये आगे पीछे मतलब कि आगे पीछे हो रहा है भाई। एंड सच बताओ मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड अपना करेक्टर का लैग तो देखो ये कितना बड़ा हो गया भाई। लिटरली भाई इतना बड़ा नहीं था अपना करेक्टर का पैर, एंड शायद हाथ भी शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है। एंड इससे थोड़ा सा छोटा छोटा रहता है, लेकिन आपको चलो दिखा दूँगा इस एग्जिट करके। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है गाइस, मतलब कि चलो यहाँ पास एग्जिट करके आपको दिखा दूँ। एंड गाइस फाइनली गाइस मैं काफ़ी दूर आ चुका है, समुद्र के किनारे आ चुका हूँ। एंड पूरी तरह से ड्राइव करते करते चलो यहाँ पास जल्दी से एग्जिट करके आपको दिखा दूँगा इसकी कि अपना जो यहाँ पास करेक्टर का पैर है ये इतना ही बड़ा नहीं गाइस, इससे छोटा है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस अपना जो करेक्टर यहाँ पर जैसे एग्जिट किया तो ये काफ़ी छोटा गाइस। एंड चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। एंड आपको सिंपली यहाँ पर मतलब कि स्विमिंग पूल पे मतलब आपको डायल कर देना है कोई भी एक रैंडम बाइक। एंड उसके बाद आपको क्या करना है आपको चलो बता दो। तो सिंपली आपको ऊपर जाते जाते गाइस आप लोग में बाइक में एंटर कर देना। तो आप लोग जैसे गाइस ऊपर जाते जाते बाइक में एंटर करोगे तो आप बाइक में बैठ तो जाओगे, बट गाइस आप लोग यहाँ पास बाइक को ड्राइव ही नहीं कर सकते भाई। देख सकते हो हम लोग बाइक के पीछे मतलब टंकी पर बैठे हैं भाई, लिटरली यार आप लोग देख सकते हो ये मिथ काफ़ी बड़ी। एंड यहाँ पास तो हेलमेट भी पहन लिया भाई, मत हम लोग यहाँ पास बाइक तो ड्राइव नहीं कर सकते लेकिन अपना करेक्टर यहाँ पास हेलमेट भी पहन लिया था। आप लोग देख सकते हो हम लोग मतलब कि बाइक के मतलब कि पूरे आर पार हो सकते हैं गाइस, इनविजिबल टाइप का हम लोग हो चुके हैं भाई लिटरली है। ये सब तो कमेंट करके जरूर बताना ये ग्लिच आपको कैसा लगा गाइस। एंड ये खतरनाक ग्लिच है भाई सच बताओ तो अभी तक का, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बाइक के अंदर बैठ तो जाते हो लेकिन आप लोग बाइक को ड्राइव नहीं कर सकते। एंड आप लोग यहाँ पास नॉर्मल अगर बैठते हो बाइक मतलब कि स्विमिंग पूल के अंदर तो आप लोग जरूर से बाइक को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आप लोग ऊपर जाते जाते अगर बाइक में एंटर का बटन प्रेस कर दो तो आप लोग बिल्कुल भी बाइक ड्राइव नहीं कर पाओगे। एंड चलिए गाइस बढ़ते अपने नेक्स्ट मिथ की ओर। यहाँ पर सिंपली आपको कोई भी एक कार स्पॉन कर लेना। मैं यहाँ पास टार्जन कार स्पॉन किया गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पास 5000 से डायल करके पल्सर RS 200 भी स्पॉन किया। एंड आपको क्या करना है दोनों बटन एक साथ प्रेस कर देना है।
एंड देखने को मिलेगा गाइस आप लोग को एक तगड़ा सा मैजिक। अपना जो करेक्टर इसे देखो, अपना जो करेक्टर है इसे पूरी तरह से टंकी पर बैठा हुआ है भाई, देख सकते हो अपना जो करेक्टर है पूरी तरह से टंकी पर बैठा पेट्रोल टंकी पर। बट गाइस इसमें अच्छी तरह से मतलब कि ग्लिच मतलब वर्क नहीं कर पा रहे। चलो आपको यहाँ पर दूसरा बाइक के साथ आपको करके दिखा दूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पर दोबारा से मैं पास स्टार जाना वंडर का रिस्पॉन्ड कर दिया एंड इसके बाद गाइस मैं आपस रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ जेड एक्सटेनर बाइक नहीं मतलब कि कावासाकी निंजा H2R बाइक स्पॉन कर लो। एंड दोनों बटन जैसे हम लोग एक साथ प्रेस करते हैं एंड गाइस असली मैजिक तो देख सको यहाँ पास कावासाकी निंजा H2R बाइक में ही देखने को मिल रहा है भाई। लिटरली यार देख सकते टंकी के बीचों बीच बैठ चुका है भाई। कैसे यहाँ पास पल्सर में यहाँ पास पूरी तरह से ग्लिच वर्क नहीं कर पाया था, लेकिन इसमें तो देखो इसमें तो प्रॉपरली भाई लिटरली आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से अपना जो करेक्टर है कैसे बाइक के अंदर बैठा हुआ है उसका पेट्रोल पंप में भाई। लिटरली यार काफ़ी क्रेजी में था एंड इतने ही नहीं, चलो एक और मैं मतलब ग्लिच आपको बता दूं। जैसा कि गाइस अपना करेक्टर आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से टंकी पर बैठ के चला रहा है, लेकिन इसका जो लैग है ये इसका साइज में ही मतलब कि है अपना ही मतलब बड़ा ही नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग साइकिल वाला ग्लिच था एंड उसमें तो काफ़ी बड़ा हो गया था अपना फ्रैंकिन का पैर, लेकिन इसमें तो नहीं हुआ है। तो आपको चलो बता दो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोबारा से मतलब कि एक कार स्पॉन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्पॉन कर लें तो दोबारा से यहाँ पर स्टारजन कार एंड आपको क्या करना है आप लोग को कार के बीच में एंड आप लोग बाइक के बीच में पहुँच जाना है एंड उसके बाद गाइस आपको स्काई फॉल का चीट कोड एक्टिवेट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग 9129 इन्फिनिटी हेड कोड को जरूर से एक्टिवेट कर लेना गाइस, वरना अपना ग्लिच वर्क नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पर जल्दी से हम लोग 1120 एंड यहाँ पास बाइक में मतलब कि बाइक एंड कार का बटन एक साथ प्रेस कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस अपना स्काई फॉल भी एक्टिवेट हो चुका है एंड हम लोग यहाँ पास साथ में एंटर का बटन भी साथ में प्रेस कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पास ना ही हम लोग कार में बैठेंगे ना ही हम लोग यहाँ पास बाइक में बैठेंगे गाइस, लेकिन गाइस ग्लिच कुछ और ही है गाइस। तो आपको क्या करना है आपको चलो बता दो। तो गाइस आप लोग जैसे गाइस कोई भी कार में मतलब कि पास जाओगे या फिर कोई भी बाइक के पास जाओगे तो यहाँ पास बाइक का में एंटर का बटन तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही नहीं, लेकिन ग्लिच ये नहीं है गाइस, ग्लिच कुछ और ही है। तो आपको क्या करना है आप लोग देख सकते हो आप कार के अंदर जा सकते हो एंड गाइस आप लोग कार के अंदर जो इंटीरियर है गाइस इसे भी पूरी तरह से प्रॉपरली देख सकते हो। एंड आपको बता दूँगी जैसे कि आपस में थार स्पॉन कर लेता हूँ तो 9191 से हम लोग जैसे थार स्पॉन कराते हैं एंड इसके अंदर आपको चलो जाकर दिखाता हूँ। तो देख सकते हो अपना करेक्टर पूरी तरह से अंदर है एंड साथ में कैसे हम लोग इंटीरियर को भी पूरी तरह से अच्छे से देख सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका इंटीरियर देखने एंड देख सकते हो अपना जो यहाँ पास करेक्टर है मतलब कि थार का जो इंजन रहता है सामने गई इसके अंदर था भाई, मतलब अपना कैरेक्टर एक प्रकार से इनविजिबल हो चुका है या फिर कार इनविजिबल हो चुका है मुझे तो पता नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइस आपके भी दिमाग में खतरनाक ग्लिच या फिर मिथ है तो उसे नीचे कमेंट कर देना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा। एंड कमेंट करके जरूर बताना गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।